विदिशा के कुरवाई में कांग्रेस ने बीना तिराहा से रैली निकाली और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने ऐतिहासिक 100 वर्ष पुराने मेला ग्राउंड स्थित तो खेल मैदान को बचाने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि कुरवाई में खेल का एकमात्र खेल मैदान है जो लगभग 100 वर्ष पूर्व रियासत काल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में इस मैदान को सीएम राइज स्कूल के मानचित्र में ले लिया गया है और इस पर स्कूल के छात्रावास एवं क्वार्टर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे खेल मैदान का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मैदान पर होते हैं। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मेजर ध्यानचंद भी इस मैदान पर खेल कर जा चुके हैं। पूर्व में इसी खेल मैदान पर प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्टेडियम की घोषणा की थी, परंतु खेल मैदान पर छात्रावास और क्वार्टर का निर्माण कार्य चालू है, जिससे जिले भर के खेल प्रेमी और खिलाड़ियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। कांग्रेसियों ने कहा है कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो शीघ्र ही बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरजेश साहू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मजाज मोहम्मद, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हर्षुद्दीन खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या संदर्भ में दिया गया? कांग्रेस पार्टी जो कुरवाई में सीएम राइस स्कूल बन रहा है, कांग्रेस पार्टी सीएम राइस स्कूल का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन स्कूल के साथ जो उन्होंने खेल मैदान को अटैच कर लिया है, हम कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक ही खेल मैदान है जो कुरवाई के बच्चों के लिए जो है और उसमें हॉस्टल आदि बनाने के लिए इन्होंने अटैच किया है, तो हम लोग इसका कुरवाई से लेकर विदिशा तक भोपाल तक इसका विरोध करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि स्कूल के नक्शे से ग्राउंड को अलग कर दिया जाए? हाँ, स्कूल के नक्शे से ग्राउंड को अलग कर दिया। कुरवाई से संवाददाता अमित जैन की रिपोर्ट।